भजन संहिता 20। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियों से तुझे संभाले। वह तेरे अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया हूँ कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ से उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। वह तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा, बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम धन्यवादी हैं प्रभु जी कि आपने रात भर संभाला प्रभु, और ये सुबह के समय प्रभु जी आपने पिता आज के नए दिन को प्रभु जी आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर प्रभु जीवित रखा। प्रभु जी, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि पिता न जाने कितने लोगों ने प्रभु जी आज की सुबह को नहीं देखा प्रभु, पर पिता ये तेरा अनुग्रह है कि खुदावन कि हमने प्रभु आज पिता परमेश्वर इस सुबह को देखा परमेश्वर, और इस सुबह में परमेश्वर पिता हम हर्षित होकर तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं पिता। हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं पिता कि सच में प्रभु तू हमें हर एक खतरे मुसीबतों से बचाता है प्रभु, तू हमें संभालता है परमेश्वर, तू हमारा पिता है प्रभु जी, और तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, तू आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य प्रभु है पिता, क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया है मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए प्रभु, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए प्रभु जी। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सच में प्रभु तू महान और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई हमारे जीवन से होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु आप परमेश्वर उन लोगों पर अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो आज के दिन में प्रभु अपने जीवन में संकट के दिनों में है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में प्रभु प्रॉब्लम्स हैं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आप परेशान हैं अपने फ्यूचर के लिए पिता परमेश्वर, अपने इस प्रॉब्लम से परेशान हैं पिता। तो पिता आपके जीवन वचन के अनुसार कि प्रभु आप संकट के दिनों में प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु, उनकी सुधी ले प्रभु जी, और प्रभु उन्हें प्रभु परमेश्वर इस संकट से बाहर निकाले प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो अपने बीमारी में है पिता परमेश्वर, आप उसे उसकी बीमारी से परमेश्वर बाहर निकाले प्रभु। जो पिता परमेश्वर किसी भी घर की परिस्थिति में प्रभु घर की टेंशन में है प्रभु जी, पिता होने दे प्रभु, आप उन्हें भी परमेश्वर इस टेंशन से दूर करें पिता परमेश्वर, आप उनके संकट को पिता परमेश्वर पिता दूर करें पिता, और उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए प्रभु जी जो पिता अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है प्रभु जी, प्रभु आप उन्हें ऊँचे स्थान पर नियुक्त करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु जी जो आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, और जो आपके मार्ग पर चलते हैं प्रभु, आप प्रभु उन्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त करते हैं पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी कि आप उन लोगों को ऊंचे पर नियुक्त करें पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी जो अपने जीवन में प्रभु सहायता के लिए परेशान है प्रभु, मदद के लिए परेशान है प्रभु जी, आप प्रभु जी उनके सहायक बने प्रभु, आप उन्हें संभाले प्रभु जी, आप उनको उनकी हर एक बीमारी से, हर एक दुख तकलीफ से प्रभु जी, हर एक प्रभु कर्जे से प्रभु जी, आप प्रभु उन्हें बचाए प्रभु, आप उन्हें संभाले प्रभु जी, प्रभु आप प्रभु इनकी हर एक जो प्रभु उनकी युक्तियां हैं प्रभु जी, अपने भविष्य को लेकर जो लोग चिंतित हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु जी आप उनकी सहायता करें मेरे यीशु, प्रभु जी आप उनकी मदद करें मेरे पिता परमेश्वर।
धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक बात के लिए मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी। पिता जिसका भरोसा तुझ पर होता है मेरे प्रभु, वो कभी भी लज्जित नहीं होता प्रभु, तो उनका तो उनकी ढाल बनता है प्रभु, तो उनका रक्षक बनता है प्रभु, तो उनका सहायक बनता है परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु आज जितने लोग प्रभु जी अपने जीवन के लिए अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं परमेश्वर, आप उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता, धन्यवाद करें प्रभु परमेश्वर। आप वायदा करते हैं प्रभु कि आप उन्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेंगे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है प्रभु जी। हर एक बात को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।